पीएमसी हिंदी से जुड़े लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमें सोशल मीडिया पर फॉलो करें। हेल्थ फुल परफेक्ट हो गया मेरा। हेल्थ में मुझे क्या है मालूम है, बोले तो फुल प्रॉब्लम था, जो एक स्टमक प्रॉब्लम था, कुछ एंजाइटी स्ट्रेस सब था, सब बदला हुआ गया। मैं लोगों को क्या है, दो तीन स्कूल को गया, ध्यान सिखाने लगा, गवर्नमेंट स्कूल को भी गया, अपन किधर गए उधर ध्यान सिखाते थे, मतलब ये एनर्जी काम करने लगा ना, एक जो भी देते थे वो रिटर्न वापिस आ रहा, फिर कहीं को छोड़ेंगे। बहुत ही चमत्कार हुआ ध्यान से मुझे। नमस्ते माय डियर मास्टर्स, मैं कर्नाटक शहर से बिदर डिस्ट्रिक्ट में रहता हूँ। मेरा नाम गणेश है। मैं ध्यान में आके एक साल हो चुका है। ध्यान में मैं कैसे आया बोले तो वो बहुत ही रेयर है, मैं आपको बताऊंगा। थोड़ा मुझे पहले से ही अध्यात्म का ज्ञान था। मैं बहुत सारे स्टेट घूम चुका हूँ, 4-5 स्टेट घूम चुका हूँ, कर्नाटका, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, सब जगह घूम चुका हूँ। बाद में क्या हुआ बोले तो नियरली 2020 में क्या हुआ बोले तो हमारे पिताजी है ना, मैं क्या है जो डेथ रहता, डेथ को मैं उतना नियरली मैं अब ये नहीं कर पाया, मैं एक्सपीरियंस नहीं कर पाया। उस दिन क्या हुआ, सडनली उनको हार्ट अटैक आ गया, मेरे सामने ही मैं उतना डेथ को एक्सपीरियंस कर सका। बाद में मैं इतना डिप्रेशन में चले गया, 3 महीने तक मैं डिप्रेशन से नहीं निकल चुका हूँ। बहुत एंग्जाइटी हो रही थी, बहुत साइकेट्रिशियन गया, टैबलेट्स भी लिया, लेकिन वो हैबिट करेक्ट नहीं है बोल के मैं क्या करता था, हमारे मतलब जो एरिया है ना उधर रोड पे ही एक क्लिनिक है, जो डॉक्टर है डॉक्टर कैलाश पाटिल बोल के, उनके ज़रिए से ही मैं पीएमसी चैनल से जुड़ चुका हूँ। सो क्या हुआ बोले तो उनके क्लिनिक को जाता था मैं। सो एक दो बार मुझे मेडिसिन दिए, बोले ध्यान करो कम हो जाएगा बोल के बोले। मैं बोलता था मैं मेडिसिन लेने का आया हूँ, क्या मेरे को ध्यान कर बोल रहा है, इंजेक्शन नहीं दे रहे, टैबलेट्स नहीं दे रहे बोल के थोड़ा सा मुझे गुस्सा आता था। फिर भी मैं गया 8-10 बार ऐसे ही गया। बाद में ऐसे ही मुझे एक्सपीरियंस हुआ, उन्होंने बोले तू कितना भी कर लो सब कर्म सिद्धांत है बोल के बोले, सब फूड हैबिट्स रॉन्ग रहने से ऐसा होता है बोल के बोले, जो मरना क्या है, मरना तो है ही नहीं, एज खाली सेलिब्रेशन है, डेथ इज सेलिब्रेशन, लाइफ इज सेलिब्रेशन, सब कुछ सेलिब्रेशन है बोल के बोले। ठीक है सर बोला के बोला मैं। डेली क्या करते थे, 10-11 इवनिंग में 1 घंटा मेडिटेशन करते थे, नाइट में दोनों बैठ के मेडिटेशन करते थे, इतना अच्छा फील होता था कि बहुत अच्छा। बाद में 1-2 महीने में मेरा स्ट्रेस एंग्जाइटी डिप्रेशन सब चले गया और मैं टैबलेट्स भी लेना छोड़ दिया मैं, वो साइकेट्रिस्ट लिखे सो। बाद में थोड़ा थोड़ा तो चलते रहता। बाद में क्या हुआ बोले तो मैं जुलाई में 2021 फरवरी में मैं शिवरात्रि में आया मैं इधर, फिर करताल को फर्स्ट बार। मैं पत्री सर को 3 बार मिलने की कोशिश करा, मैं इधर आया तो उन्होंने हैदराबाद में रहते थे, मैं हैदराबाद में रहते तो उन्होंने कहाँ तो रहते थे, नहीं मिलना हुआ। मैं इधर आया करताल में, करताल में आके क्या है पिरामिड में ध्यान किया, फुल मेरे को एक्सपीरियंस हुआ। मैं देखो कौन सा भी चीज़ पे मैं बिलीव नहीं करता हूँ जब तक मुझे वो रियलिटी में पता लगे। ऐसे ही मैंने महेश्वरा पिरामिड को फरवरी में विजिट किया 2021 में शिवरात्रि के टाइम को। अभी कंस्ट्रक्शन हो रहा था अंदर, अभी उतना रेडी नहीं हुआ था महेश्वरा पिरामिड। मैं क्या हुआ इधर आके मेडिटेशन करा, बहुत ही अच्छा फील हो गया, जैसे ऊपर किंग्स चैम्बर में बैठा ना, फुल मेरे को ऐसा फील हुआ कि मैं अलग ही दुनिया में आया हूँ बोल के ऐसा फील हुआ, बहुत अच्छा लगा। बाद में मैं क्या करता था, सुबह आके शाम को जाता था, 2-3 बार करतल को मैं ऐसे ही किया, मॉर्निंग में आता था इवनिंग में चले जाता था, ऐसा करा मैं। बाद में क्या हुआ बोले तो सितंबर की बात है, सितंबर में मैं क्या हुआ ऐसे ध्यान कर रहा था, पीएमसी चैनल से जुड़ चुका था,
फिर भी मैंने काम करता था पहले, ये कौन सा बार एंड रेस्टोरेंट में काम करता था मैं। ओ पापा का ये होने के बाद तो मैं छोड़ दिया, बॉडी वेकेट होने के बाद। तो बाद में रेस्टोरेंट में काम करने लगा, रेस्टोरेंट भी वो वेज एंड नॉन वेज रेस्टोरेंट था। सो डॉक्टर सर मुझे बोलते थे उसमें नको करो, आपका प्रगति नहीं होगा उसमें बोल के बोले। फिर भी वो मनी अर्निंग्स के लिए करना पड़ता था, अब क्या करेंगे, दूसरा काम तो हमारे को सेट नहीं होता था। फिर भी क्या करें, फिर भी मैं सितंबर में करा काम वो रेस्टोरेंट में किया। फिर बाद में मुझे लगा ये सही नहीं है बोल के मैं छोड़ दिया, छोड़ के मैं आ गया बिदर को आ गया। बिदर में आने के बाद क्या है, एक ऑफिस में कॉल सेंटर से मुझे जॉब मिला, BPO कॉल सेंटर से, जो अपने पास अत्यंतिका बिजनेस लिमिटेड बोल के हैं बिदर में ही। सो उसमें मैंने काम किया एक महीना। एक महीना काम करने के बाद क्या है, मुझे बहुत मतलब सुबह से शाम तक बैठो बोले तो नहीं हो रहा था, अलग ही स्ट्रेस हो रहा था मुझे, मेंटल स्ट्रेस हो रहा था। सो मैं क्या कर रहा हूँ, मेरी लाइफ क्या है, एक मैं क्या काम कर रहा हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैंने क्या बोला, आई वांट 3 डेज लीव बोल के बोला, जो मेरा बॉस है ना उसको बोला। वो नहीं हो सकता बोल के उन्होंने बोले, 3 डेज नेवर नेवर बोले। मैं बोला तू जॉब चले जाएगा तेरा बोल के बोले। ओके सर नो प्रॉब्लम बोल के बोला, मैं मैनेज करता हूँ, दूसरे को किसी को तो भेजता हूँ बोल के बोला। नहीं माने, ओके बोल के मैं रिजाइन करके सीधा बैंगलोर चले गया, पिरामिड वैली इंटरनेशनल। पिरामिड में मैं क्या है 3 डेज रहा उसमें, उधर फुल नेचर के साथ, प्रकृति के साथ मैं रहा। फुल मुझे नेचर, वो बारिश का टाइम था, फुल क्या है, फुल मैं मेडिटेशन करा 3 डेज। मेडिटेशन करने के बाद फिर आया मैं बिदर को, फिर आया 8 दिन, ऐसा 10 दिन हो गया मेरे को। मेडिटेशन में क्या थॉट हुआ मुझे, मैं जाते टाइम ही वो मुझे ब्लॉक किया था मेरे बॉस, मुझे लगा था पावर ऑफ थॉट बोलते हैं ना, वो खुद आके मेरे को पूछेगा कि आता क्या नहीं बोल के, मेरे को ऑलरेडी मालूम हो गया था। फिर वही आया मेरे घर तक आके मेरे को पूछा, फिर मैंने बोला मैं नहीं आता बोल के बोला। बाद में क्या हुआ, मैं इधर बिदर में अशोक कुलकर्णी सर बोल के है, जो फर्स्ट बिदर में मेडिटेशन सेंटर उनका ही था, उधर मैंने क्या है 21 डेज रेगुलर मैंने मेडिटेशन करा, 6 to 7 इवनिंग सब ग्रुप मेडिटेशन होता था, सब जने बैठते थे, जो मेडिटेशन किए हम। मेडिटेशन करने के बाद क्या है, बहुत ही फील हुआ मुझे, ओ ऐसा नहीं बोलना चाहिए, फिर भी वो थर्ड आई बोलते क्या बोलते हैं, थर्ड आई का एक्सपीरियंस हो गया मुझे। 2 बार एक्सपीरियंस हुआ थर्ड आई का, 2 बार ऑस्ट्रेलिया भी एक्सपीरियंस हो गया। फिर भी वो क्या है, वो बाधा देते हैं हमारे अभी हायर लेवल को जाने के टाइम को, वो सब नहीं बोलना चाहिए। उसके बाद में मैं क्या हुआ बोले तो, महिला ध्यान चक्र बोल के था 2021 में मैंने आया इधर, महिला ध्यान चक्र में आया। आने के बाद क्या है, फुल मैं 9 डेज रहा इधर, 22 को आके मैं 29 तक रहा शायद, 29 तक रहा। पत्री सर से मैं फर्स्ट टाइम इधर ही मिला, मैं मेरा हैंड ऐसा पकड़े, मेरा हैंड पूरा टाइट पकड़े, हो यूर मास्टर बिदर मास्टर बोल के बोले। हाँ सर बोल के मैं बोला, फुल ऐसा आंखों में आंखें डाल के देखे मेरे को पत्री सर, अच्छा लगा उनसे मिल के, अच्छा एनर्जी लगा मुझे। बाद में क्या हुआ, इधर का जो माहौल है ना जो अलग ही है पूरा, सब वाइब्रेशन पॉजिटिव समझो जो भी है, ये अलग ही दुनिया है बोल के ऐसा लग रहा था मुझे। पहले वो अलग, उधर का अलग ही है इधर का अलग ही है, मस्त लगा इधर। एक 9 डेज पाइमा में मैं वॉलंटियर भी किया, जॉब किया बोले तो पाइमा में किया मैं, अच्छा लगा मुझे इधर आके। बाद में क्या है, ऐसे ही ध्यान चलते रहा, जॉब्स ऑलमोस्ट ऑल मेरे 8-10 जॉब चेंज हो गए मेडिटेशन में आने के बाद। पहले क्या करता था, एक ही जॉब कंटिन्यू करता था, ध्यान से जुड़ने के बाद बार बार ऐसा कहाँ भी ध्यान रहता था जाते थे, ऐसा होता था। ओशो के बारे में बहुत जिज्ञासा था, एक गुजरात के एक मैडम आए थे इधर, माँ बोलते हैं हम उनको, मैडम आए थे, उन्होंने क्या है ओशो डिसिपल है, ओशो सन्यासी है, जो मैं उनसे मिला इधर करतल में ही मिला। मिला मिलने के बाद क्या है, ऐसा ओशो के बारे में मेरे को तड़प बोलते ना, एक मिलने को तड़प बोलते ना, वैसा तड़प था। उनसे मिला, मिलने के बाद क्या है, सब एक गुजरात से एक 4-5 नॉर्थ इंडियंस थे, उनके साथ बैठे मेडिटेशन करे एक 1 आवर का, बाद में फुल ओशो के बारे में उन्होंने एक्सप्लेन करे। बाद में उन्होंने दीक्षा लिए सोते, मैं भी बोला
माँ मैं भी लेना चाहता हूँ बोल के बोला। आप हो जाएगा, आप खाली मेडिटेशन करिए बोल के बोले। बाद में क्या हुआ, ऐसे ही मेडिटेशन करते गया मैं। एक्चुअली फेब्रुवरी में मेरे को ऑटोमेटिक कॉल आया। मैं ही नहीं, वो कैसा हुआ मुझे भी नहीं मालूम, ओशो ने खुद बुला लिया शायद। वहीं उधर गया, बेलगांव में है, बेलगांव में दांडेली बोल के है, उधर ओशो पिरामिड मेडिटेशन कम्यून है जो पत्री सारी ओपन करे, वो पिरामिड छोटा सा है 30x30। उधर जाने के बाद मैं क्या हुआ, खुद उन्होंने ही मुझे बोला, संगमेश स्वामी जी बोल के है ओशो डिसिपल, फ़ोन करे टिकट को, ट्रेन का टिकट को पैसा दिए और बोल के बोले। तो मैं गया, जाने के बाद क्या एक उधर एक अच्छा एक्सपीरियंस, मतलब 3 डेज का कैंप होता है ओशो का, हर कैंप 3 डेज का होता है। 3 डेज का कैंप में अटेंड हुआ, होने के बाद उधर तो सब डांस वांस वो होता है, वो एक अलग न्यू एक्सपीरियंस था मेरे लाइफ में। वही फेब्रुवरी में गया मैं, जाने के बाद क्या है एक एक्सपीरियंस हो गया मेडिटेशन के बारे में। एक ओशो वाले मुझे क्या है दीक्षा दे दिए माँ ने, माँ कृपा बोल के, मैंने ले लिया। ये क्या होता है मुझे नहीं पता, एक फॉर्म फिलअप कर दिया मैं, बाद में मेरे गले में डाल दिए। डालने के बाद क्या है फिर और एक नेक्स्ट कैंप अटेंड हो गया, जब भी 2 दिन के अंदर में दावणगेरे से शिवमोहन सर बोल के आए थे। ये हो गया, होने के बाद भी मेरे को क्या है एक फिर भी अलग अलग ही हो रहा था, कन्फ्यूजन। फिर भी इतना तो हुआ लेकिन क्या करो बोल के कुछ समझ में नहीं आता। फिर मैंने डॉक्टर सर को फ़ोन किया PSSM से जो है ना, नहीं आत्मा हर जगह जाती है, वो अलग अलग अनुभव लेना चाहती है, उसके लिए तू भी गया बोल के बोले, ये भी अच्छा एक्सपीरियंस है लेके आना चाहिए बोल के बोले। मैंने सुना पत्री सर भी 1986 में ऐसा पुणे आश्रम को गए थे, सो भी एक ये भी अच्छा एक्सपीरियंस हुआ बोल के। और मैं आया बिदर को आया, मैं क्या हुआ तो फुल डिसाइड करके गया था मैं, मुझे घर बाहर कुछ नहीं, मेरे को ध्यान करना है, मुझे घर में नहीं रहना है, फुल ध्यान करना है, घर छोड़ के जाना है, 6 महीने तो नहीं आना बोल के मैं डिसाइड करके गया था, एक सन्यासी लिए जैसा। बाद में क्या हुआ बोले तो याद आया पत्री सर का टॉपिक मुझे, संसार में निर्वाण बोल के, जो संसार छोड़ के कई को भाग रहा बोल के, वो अंदर से इंट्यूशन आया, मैसेज आया। फिर मैंने आ गया बिदर को वापस आके, फिर थोड़ा फैमिली को संभालने लगे, फैमिली को संभालते, मम्मी को संभाले, ब्रदर्स है 2 ब्रदर्स स्मॉल ब्रदर्स, उनको भी संभाले। वो क्या हुआ बोले तो एक रेस्पॉन्सिबिलिटी आ गए, एक संन्यास मीन्स नॉट लाइक ए वो बहुत बड़ा बात नहीं है, जो हमारे आँख जो अंदर देखना गए संन्यास है आँखें बंद करके, जो बाहर देखने के ही संसार है, इतना ही है संन्यास का अर्थ, संन्यास को वो गलत नहीं है कुछ भी। उसके बाद में क्या है वो मैं 6 महीने इतना बदलाव आया मुझे, उसके बाद में मैं घर छोड़ के कहाँ भी नहीं गया, उतना रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने लगा मैं। थोड़ा थोड़ा क्या होता हुए, दोनों रेंटेड घर है ना अभी, मम्मी मई दोनों करके ऐसे चला रहे समझो। अच्छा बहुत सारे चेंजेस हुआ, हेल्थ फुल परफेक्ट हो गया मेरा, हेल्थ में मुझे क्या है मालूम है बोले तो फुल प्रॉब्लम था, जो एक स्टमक प्रॉब्लम था, कुछ एंजाइटी स्ट्रेस सब था, सब सब बदलाव आ गया। मैं लोगों को क्या है 2-3 स्कूल को गया ध्यान सिखाने लगा, गवर्नमेंट स्कूल को भी गया, अपन किधर गए उधर ध्यान सिखाते थे, मतलब ये एनर्जी काम करने लगा ना, एक जो भी देते थे वो रिटर्न वापिस आ रहा, फिर कहीं को छोड़ेंगे। बहुत ही चमत्कार हुआ ध्यान से मुझे, जब से मैंने ध्यान स्टार्ट किया है जब से बहुत सारे चेंजेस आए। एक शॉर्टकट में मैं 2-3 पॉइंट्स में बताऊंगा क्या हुआ बोले तो मुझे क्या है, मतलब स्ट्रेस एंग्जाइटी डिप्रेशन था वो टैबलेट्स ले रहा था, वो ध्यान करने के बाद क्या है वो सब छूट चुका है, अभी मैं फ्री हूँ वो कुछ भी नहीं। बाद में थोड़ा सा एडिक्शन था अभी, जो रहते ना फ्रेंड्स के साथ वो एक स्मोकिंग वो एडिक्शन था वो भी, मैं यार को क्या है ध्यान करते 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 इससे बड़ा नशा कौन सा भी नहीं है बोल के मैं समझ में आया। और वो ये बहुत चमत्कार किया मेरे साथ, ध्यान में इतना नशा है ये छोड़ के मैं ये सस्ते नशे में कई को डूबा हूँ बोल के मेरे को समझ में आया, ध्यान से एक प्रॉफिट हो गया। मेरा दोस्त अभी भी पूछते मेरे को कैसा हुआ तेरे साथ कैसा हुआ, अरे ध्यान कर ध्यान से चमत्कार होता बोल के मैं बोला। और बहुत सारे फिजिकल पेंस फिजिकल प्रॉब्लम्स भी थे वो भी दूर हो गए, वो भी एक ध्यान का बहुत 100% रिजल्ट है इसमें ध्यान में। जो एक आदमी
इस धरती पे जन्म लेता है ना, एक ही बार जन्म मिलता है, अगले जन्म मिलता कि नहीं कि वो डाउट नहीं है। एक जन्म है, इसको फुल यूटिलाइज करना चाहिए, फुल यूज करके छोड़ना चाहिए इसको। ध्यान में मुझे इतना प्रॉफिट मिला है वो मैं बता नहीं सकता हूँ, बहुत बहुत मिला है। और बहुत सारे इतने फ्रेंड्स हो गए मेरे ध्यान में सज्जन संगत से, और इससे बहुत अच्छा होता है। और ध्यान, स्वाध्याय, सज्जन संगत बहुत चमत्कार लाती है जीवन में। और शुद्ध सात्विक आहार वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जैसा अन्न वैसा मन, वो तो आपको पता ही है। इसलिए सब ध्यान करिए, इसमें बहुत चमत्कार है। थैंक यू सो मच। PMC हिंदी, बदले जीवन।